और खबरों में बात करेंगे चमोली की, जहां पर कर्णप्रयाग ब्लॉक सभागार में बीडीसी की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों के ना पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी व्यक्त की है। वही मामले को लेकर जनप्रतिनिधियों का कहना है कि अब अधिकारी ही बैठक में नहीं पहुंचेंगे तो उनकी समस्या का निवारण कैसे होगा। आपको बता दें कि बैठक कर्णप्रयाग ब्लॉक प्रमुख चंदेश्वरी देवी की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें सड़क पानी बिजली से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई है। लेकिन बैठक में उच्च अधिकारियों के नदारद होने पर लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया है। तो ठीक है सप्लाई, आपने 6 महीने पहले प्रसारित किया गया कि अगर 14 नवंबर तक यहाँ पे कर्मचारियों की पूर्ति नहीं की गई तो हम जो है सार्वजनिक रूप से 14 नवंबर को जो है माननीय मुख्यमंत्री से ज्ञापन भी देंगे, उनका जवाब भी करेंगे। सदन के माध्यम से यह अवगत कराया गया कि जल्द से जल्द यहाँ पे कर्मचारियों की व्यवस्था की जाए, क्योंकि सबसे अधिकारी यहाँ मीटिंग ले, अधिकारी बैठे, तब जाके हमारी जनता उन पर विश्वास करेगी, तभी जाके आगे ये बाकी ये लोग भी काम करेंगे। कर्मचारी तभी काम करता है, बाकी कोई नहीं करता है। एक अधिकारी हमारे जिले से एक अधिकारी बैठे हुए आज यहाँ पे, इतनी बड़ी बीटीसी बैठी है, इतने बड़े लोग अपने घरों से अपना काम धाम छोड़ के आ रहे हैं, लेकिन हमारे अधिकारियों के लिए टाइम नहीं है। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि हमारे जो विभाग के कर्मचारी हैं वो सारे वो सक्षम अधिकारी नहीं भेज रखे हैं, और जबकि हमारी 3 महीने में बीटीसी होती है, सक्षम अधिकारी का रहना बहुत ज़रूरी होता है, और जो हमारी मांगे होती है वो पूरी तभी हो जाती है जब सक्षम अधिकारी रहते हैं। लेकिन जब हमारी कुछ हम अध्यक्ष हैं यहाँ पर, तो हमारी भी सुननी चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, लेकिन हमारी नहीं सुनी जाती है।